परफॉर्म करते हैं, तो ऐसा कुछ है। हेलो भाई, क्या चार्ज है इसका अपने बोर्ड का? देख सकते हो पूरी लोकडम है, ये बीच बना हुआ है, देखते हैं पीछे हार्बलम वाटरफॉल। तो अभी वहाँ पर जाके मुझे आज की डेट में, सो ऐसा कुछ है। सो सेम मैं वहाँ पे मोबाइल लेने के लिए फाइनली मैं आया, तो यार कंप्लीट तो करके जाएंगे, आइए चलते हैं गेम्स में। इसके साथ साथ ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे दिन में आती थी। शांत माहौल है यहाँ। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब? आज की शुरुआत हो रही है, मैंने होटल से चेकआउट कर लिया और अब मैं जा रहा हूँ अरम्बोल बीच की तरफ। सो वहाँ पे जाके मुझे आज की डेट में, आज से मैं हॉस्टल बुक करूँगा। हॉस्टल रेंट आपको प्राइस मैं आपको बताऊँगा कि क्या प्राइजेज चल रहे हैं हॉस्टलों के इधर नॉर्थ गोवा में। अगर आप हॉस्टल बुक करते हैं तो किस रेंज में आपको कैसा हॉस्टल मिलेगा, अब जाके ट्राई करते हैं। देन एक से दो दिन माइट भी मैं उधर ही स्टे करूँ नॉर्थ गोवा में ही, ये अरम्बोल बीच पे। अभी लास्ट तीन दिन से मैं मोरजिम बीच में स्टे कर रहा था, लेकिन अब जाके अरम्बोल बीच पर मैं विज़िट करते हैं। सो ऐसा कुछ नज़ारा इधर का दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। चलो लेट्स सी, आगे जाके बात करते हैं फिर। सो फाइनली कुछ ऐसा नज़ारा है दोस्तों गोवा का, सुनसान खाली रोड, बहुत कम लोग नज़र आएंगे आपको यहाँ पे, और व्यू देखो कितना प्यारा है, अल्टीमेट व्यू। सो फाइनली गाइज, मैं अपने हॉस्टल पहुंच चुका हूं और मैंने कुछ ये हॉस्टल बुक किया है। मैं आपको एक बार बाहर का व्यू दिखा देता हूं, देन उसके बाद अंदर का दिखाता हूं। ये लॉकर फॉर सेफ्टी पर्पज़, ऐसा कुछ नज़ारा है। और यहाँ से सामने ही आपको बीच नज़र आ रहा होगा, तो ये डोरमेट्री रूम्स है जो कि 200 रुपीज़ ये वाला बेड मेरा है, जो कि 200 रुपये पर दिन के हिसाब से, 200 रुपये पर डेज के हिसाब से मुझे मिला है। अगर लॉन्ग टर्म स्टे करते हैं आप तो ये 150 तक आपको मिल जाएगा। सो ऐसा कुछ जो है, बाकी इधर से बीच पास में ही है, बीच पे चल के और फिर वहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको। ओके बाय। सो गुड इवनिंग गाइस, फाइनली मैं अपने हॉस्टल से निकला हूँ अभी बीच के लिए, तो मैं आपको हॉस्टल का आउटसाइड का व्यू दिखा देता हूँ एक बार। ये मेरा हॉस्टल है सामने अंदाज अरम्बोल बीच पे, और ऐसे कोई यहाँ इधर लाइव म्यूजिक, सनसेट का टाइम है थोड़ा अभी होने में, बट ऐसा कुछ व्यू है इधर का। सो ये है, ये मुझे 200 रुपीज़ पर डे पे मिला है, जो कि काफ़ी अच्छा, अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो लोकेशन के हिसाब से काफ़ी अच्छा व्यू, व्यू के हिसाब से काफ़ी अच्छा है बीच, और क्लीन भी है रूम, हॉस्टल के काफ़ी क्लीन है रूम, और व्यू बहुत ही अच्छा है इधर का। सो आप व्यू का नज़ारा लीजिए दोस्तों कुछ।
क्राउडेड है बट इतना क्राउडेड नहीं है जो कि लॉकडाउन से पहले हुआ करता था। अभी इतना क्राउडेड नहीं है इधर, अभी ज़्यादा लोग नहीं है इधर, लिमिटेड ही कैफेज कुछ खाली पड़े हुए हैं अभी कोविड सिचुएशन की वजह से। यहाँ पे कुछ लोग क्रिकेट प्ले कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ फुटबॉल, डिफरेंट डिफरेंट सारे गेम, कुछ वॉलीबॉल खेल रहे हैं। इधर काफ़ी शांत और काफ़ी डिफरेंट बीच है, खूबसूरत बीच है काफ़ी गोवा का। ये बेसिकली आप इसको रशियन बीच बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रशियन सबसे ज़्यादा होते हैं, रशियंस को आरंबोल बीच सबसे ज़्यादा पसंद आता है। और आए भी क्यों ना दोस्तों, आप खुद देख सकते हैं इधर कितना सुंदर व्यू है। कुछ 2% वोट्स राइट, सो ऐसा कुछ नज़ारा है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे की तरफ, बैक साइड ऑफ मी बीच का। ये देखिए सामने कुछ दूरी पे पैरा सेलिंग भी हो रही है और इधर ये बोट। मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो आज ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, मौसम ठंडा ही है अभी। लाइफ गार्ड वाले भी हैं सामने, सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है और वेव्स काफ़ी अच्छी आ रही है आज, अगर काफ़ी सुंदर हवा चली हुई है। सो ऐसा कुछ नज़ारा है दोस्तों आरंबोल बीच का। प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए आपको तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करना चाहते हो तो मेरा इंस्टा आईडी है solo_journey07, आप उस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं कंटिन्यूसली। बोट वाले से एक बार कंफर्म करते हैं क्या प्राइस है इसका, पर ट्रिप है, हावर्स के अकॉर्डिंग है, कैसे ये कराते हैं बोटिंग, एक बार इनसे कंफर्म कर दें। सो ऐसा कुछ है। हेलो भाई, क्या चार्ज है इसका अपनी बोट का? 800 800 फॉर हावर या फॉर मिनट्स, कैसे है? आप पहले ट्रेनिंग देंगे? ओके, टोटली 1 hour कोर्स फॉर 800 रुपीज राइट? नॉर्मली यस, बट टुडे वी विल जस्ट गिव यू फ्यू मिनट्स ऑफ टाइम। ओके, ड्यू टू विन एंड वी आर टेकिंग यू इनसाइड। ओके, थैंक यू सो मच ब्रदर। सो दोस्तों ऐसा कुछ था, 1 hour के 800 rupees जिसमें आपको कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग देंगे, देन 1 hour आपको ये बोटिंग कराएंगे। बट कह रहा आज विंडी है, हवा ज़्यादा है तो इस वजह से ज़्यादा टाइम ये अंदर लेके नहीं जाएंगे ना ज़्यादा डीपली लेके जाएंगे आपको। ठीक है, 800 rupees कुछ थोड़ा सा ही ज़्यादा है, कुछ कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि जिस हिसाब से लोकेशन है सारी चीज़ें तो 800 rupees कोई सस्ता महंगा नहीं है ज़्यादा। सो इधर एक बार जज की वाला भी एक बार उससे भी कंफर्म कर लेते हैं कि क्या प्राइस है उसके। हेलो ब्रदर, क्या चार्ज है अपना जेट स्की का? ये सर हमारा पर्सनल है।
पर्सनल है? अच्छा अच्छा, वो रेंटेड नहीं है? अच्छा, वाटर स्पोर्ट्स उधर है। वैसे बेसिकली क्या चार्ज होता है? 500 रुपये पर राउंड जो होता है वहाँ। ओके भैया, थैंक यू। सो ये प्राइवेट जेट्स की था दोस्तों, सो ये कहीं लेके जाएगा नहीं। इसने बताया 500 रुपये, हाँ बेसिकली यही चार्ज होता है। 500 रुपये में वो आपको 1 मिनट का राउंड मरा देगा, घुमा के फिर वापस ले आएगा जेट स्की में। बट वो उसमें क्या है, आपको ड्राइव नहीं करने देते यार। अभी फिर कुछ और नज़ारे, ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे नाइट्स को काफ़ी सुंदर व्यू हो जाता है लाइट्स वगैरह के साथ। यहाँ पे डांस काफ़ी एंजॉय करते हैं लोग, यहाँ पे काफ़ी बड़ा और काफ़ी लंबा और चौड़ा भी आप इसको बोल सकते हो बीच, और क्लीन बीच है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कोई गंदगी वाटर बॉटल या फिर कोई बियर बॉटल्स कुछ नहीं मिलेगा आपको, काफ़ी नीट एंड क्लीन बीच है ये। बेसिकली आपका नॉर्थ गोवा में बीच है अरंबोल बीच। सामने देखिए क्या जबरदस्त व्यू है यार। और ये सनसेट भी होने वाला है, ज्यादा टाइम नहीं है, आई थिंक 30 मिनट्स टू विद इन 1 आवर सनसेट हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। अभी भी काफ़ी डीपली लोग स्विमिंग कर रहे हैं, बट इनमें से मैं जहाँ तक देखा मैंने कोई भी इंडियंस नहीं है, मोस्टली फॉरनर्स ही हैं जो डीप स्विम कर रहे हैं। गोवा मुझे 4 दिन हुए हैं, लेकिन अभी तक का जो एक्सपीरियंस था काफ़ी अच्छा रहा है। मैंने बेसिकली नॉर्थ गोवा ही ज़्यादा घूमा हूँ, साउथ गोवा में अभी तक विजिट नहीं किया है, बट होपफुली बहुत जल्दी मैं साउथ गोवा भी आपको कुछ वीडियो साउथ गोवा की भी दिखाऊंगा आपको अपने चैनल पे। सर्फिंग कर रहा है दोस्तों, देखिए कितनी अच्छी सर्फिंग कर रहा है। तो ऐसा कुछ बीच व्यू है,
जाता हूँ वापिस अपने हॉस्टल पे, देखता हूँ कपड़े चेंज करके स्विमिंग का मन है कुछ स्विम करता हूँ। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो फाइनली दोस्तों मैं डेस्टिनेशन पे पहुँच गया हूँ, फिर साल यहाँ पे आज ट्राई करेंगे। तो हम सीडवर्ड रॉक लेक के नियर बाई हैं, पहुँचे नहीं अभी लेकिन ज़्यादा दूर भी नहीं है, और कुछ ऐसा रास्ता है अब चलने के लिए।